चलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक लाइट लैंप बनाने वाले हैं और इसको हम बिना किसी लाइट के बनाएंगे। ये जो आपको एलईडी लाइट दिख रही है, ये एलईडी की वेस्ट है जो कि ख़राब हो जाती है। ये मैं एलईडी रिपेयर की शॉप से बिल्कुल फ्री में लाया हूँ, आप इसको लेके आ सकते हैं। और अगर आपने नहीं देखी एलईडी की बैकलाइट कैसी होती है तो आप इसको सर्च करके देख सकते हैं गूगल पर, कहीं भी ये बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी एलईडी की शॉप पर। अगर आपको नई लेना है तो नई भी ला सकते हैं। इस तरीके से हमने एलईडी की लाइट लेके इसको छोटे छोटे भाग में तोड़ लिया है। हमने इस तरीके का एक तार ले लिया है, ये कॉपर का तार है, आप किसी भी तरीके का ले सकते हैं। और ये जो पुरानी टॉर्च होती है उसका मैंने निकाल लिया है, तो उस तार को इस तरीके से हम इसमें फिट कर देंगे और अच्छे से प्लास्टिक की मदद से इसको दबा देंगे ताकि ये निकले ना। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ये आराम से आगे पीछे होनी चाहिए ताकि आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सको। और ये इसका पीछे का कैप है, ये हम इसमें लगाएंगे, लेकिन इससे पहले इसमें कुछ जुगाड़ करना होगा। तो ये इस तरीके का एक रॉड टाइप का लिया है और ये इसके अंदर जो रेडियो में आपने देखा होगा उस तरीके का है वो सिस्टम। तो इसको हम अपने ढक्कन में फंसा देंगे। तो ये अच्छी तरीके से इसमें फिट हो चुका है। अब हमें इसको जो हमारा तार था उसके अंदर डालना है, तो इसमें दो होल किए हुए हैं। इस तरीके से हम जल्दी से इसको इसमें डाल दें और फिर इसको फिट करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे टॉर्च का ऊपर का हिस्सा बन चुका है, आप देख सकते हैं इस तरीके से ये मूवमेंट करता है। आप किसी भी तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं अच्छी तरीके से और ये काफ़ी अच्छा मूवमेंट होता है। ये बिल्कुल नया तरीका है, आप देख सकते हैं इसको बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह। तो अब इसकी लाइट पर आते हैं। तो इस तरीके से हमने लाइटों को आपस में जोड़ लिया है, सारे के पॉजिटिव एक तरफ और नेगेटिव एक तरफ आपको कर लेना है। और उसके बाद अब ये 3.7 वोल्ट पे जलने के लिए रेडी है, तो इसको हम इस तरीके से इसमें चिपका देंगे। पर उससे पहले इसमें कुछ और वायर लगाने होंगे, तो हमें इसके लिए चाहिए होगी बैटरी जिससे ये चलेगी। और इन सबके प्लस प्लस और माइनस माइनस से एक साइड जोड़ेंगे हम लोग। और इसके बाद हमें कुछ और चीज़ चाहिए होंगी, ये है इसका नीचे का हिस्सा। तो ये मैंने एक पाइप को काट के बनाया है और इस तरीके से हमने दो कागज के बोर्ड या फिर किसी दफ्ती आप कह सकते हैं इसको नीचे के लिए तैयार कर लिया है काट के। इसको हमें इस तरीके से चिपकाना होगा, तो इसको हम चिपकाएंगे बाद में, पहले इसके कनेक्शन करके आपको दिखाएंगे। तो ये इस तरीके से बिल्कुल फिक्स आ जाता है, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया फिटिंग है। और ये लाइट की रोशनी ज़्यादा या कम करने के लिए हमने एक स्विच लगाया है, आप कुछ भी सुन सकते हो। तो जल्दी से हम इसको फिट करके दिखाते हैं, तो आप वीडियो में बने रहिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो में लाइक भी कर देना। जल्दी से आपको सारी चीज़ें फिट करके दिखाते हैं, फिर उसके बाद कनेक्शन करके आपको दिखाएँगे। तो दोस्तों, इसकी सारी चीज़ें हमने फिट कर दी हैं। अब इसके बाद आते हैं इसकी बैटरी और लाइट पर। तो ये इस तरीके से अभी कुछ दिख रहा है, तो हम अच्छे से आपको बाद में दिखाएंगे इसका लुक। तो इस तरीके से आधा काम कंप्लीट हो चुका है अपना। अब इसके बाद ये स्विच आप चाहें तो इमरजेंसी में, अगर आपको रोशनी या कम नहीं करना तो आप उसको लगा सकते हैं।
ये दो लैपटॉप की बैटरी मैं इसमें लगाने वाला हूँ। आप मोबाइल बैटरी का भी इसमें यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसके कनेक्शन आप देख सकते हैं, दोनों बैटरी के प्लस प्लस एक तरफ और माइनस माइनस एक तरफ कर लेना है। और इसमें बीच में एक स्विच के वायर आप जानते होंगे कैसे लगाना है, और एक चार्जिंग की पिन भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इतनी चीज़ें इसमें लगाई हैं आप देख सकते हैं। और इसकी रोशनी का हम आपको अच्छे से चेक करके दिखाएंगे कितनी बढ़िया रोशनी ये देता है। और इसमें बैटरी बहुत लंबे समय तक चल जाती है, और लैपटॉप बैटरी वैसे बैकअप अच्छा देती है। तो इस तरीके से हमने इसको फिट कर लिया है। अब बस इसको आप चाहें तो और अच्छे से इसको फिट कर सकते हैं। ये हमने इसके ऊपर कांच लगा दिया है, आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से हमने इसको चिपका दिया है। आप इस लैंप को अच्छी तरीके से सजा सकते हैं जिस तरीके से आप चाहें, रंगीन पेपर वगैरह लगा के। तो अब इसकी टेस्टिंग पे आते हैं। तो देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया रोशनी दे रहा है, आपको उसका अंदाज़ा अभी हो जाएगा। ये देखिए आपको बिल्कुल साफ साफ हर चीज़ दिख रही होगी। तो आप इसको रात में पढ़ाई के लिए आराम से यूज कर सकते हैं, ये 3-4 घंटे से ज़्यादा ही चल जाएगा दोनों बैटरी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। हम मिलेंगे किसी और टॉपिक पे किसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।